अगर ये वर्क करेगा तो फिर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा लाइफ में, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो अगर ये डोपामिन डिटॉक्स वर्क करने लगा तो। आज था डोपामिन डिटॉक्स का तीसरा दिन का चैलेंज। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है चैलेंजेस बहुत ही मुश्किल होते जा रहे हैं। कुछ मुझे उसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखाई दिए और मुझे कुछ उसके निगेटिव इफेक्ट भी अब देखने को मिल रहे हैं। पहले दूसरे दिन तो उतनी दिक्कत नहीं थी, तो तीसरे दिन से मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है मैंने नोटिस करना चालू किया है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को जानते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स के तीसरे दिन मेरा दिन कैसा गया और मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पर नोटिस किया। अगर आप मान लो डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो हो सके ये सिम्टम्स आपको भी देखने को मिल जाएंगे। और मैं इसमें टेस्ट खुद के ऊपर करके देख रहा हूँ कि क्या डोपामिन डिटॉक्स वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अगर ये वर्क करेगा तो फिर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा लाइफ में, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो अगर ये डोपामिन डिटॉक्स वर्क करने लगा तो। लेकिन अगर नहीं वर्क किया तो फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है और वेस्ट ऑफ एफर्ट ही होगा आपके लिए, वो चाहे एक महीना करो या एक हफ्ते करो। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो क्या उम्मीद कर सकते हो और कितने दिन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं खुद के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ। मैं किसी की लिखी हुई में चीजें अप्लाई नहीं करता। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस की कि जो मेरा शुगर इंटेक है वो काफी बढ़ गया, यानी जो भी कुछ मैं शुगर मीठी चीजें जितनी भी मैं कंज्यूम करता था उसका लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। बात ये हुई कि डोपामिन डिटॉक्स से पहले मैं 2 से 3 बार जो है वो चाय या कॉफी जो भी कुछ मैं पीता था, लेकिन इस समय ये जो फ्रिक्वेंसी है ये करीबन 7-8 तक चली गई है। कॉफी कभी पी रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी चॉकलेट शेक बना के पी रहा हूँ, कुछ भी बना के पी रहा हूँ, जो मीठा खाने की जो मेरी इच्छा है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस चीज को थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और मुझे ये मालूम चला कि शुगर है वो भी डोपामिन रिलीज करता है, उससे भी अगर आप खाओगे शुगर भी खाओगे तो उससे भी आपको काफी कम्फर्ट लगेगा, आप काफी एनर्जेटिक महसूस करोगे। इसलिए बॉडी जो है जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो बॉडी जो है वो शुगर की रिक्वायरमेंट हो सके आपकी बढ़ सकती है। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को शुगर खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे शुगर बहुत पसंद है तो मीठी चीजें मैं ज्यादा यूजली तौर पे खा जाता हूँ। मैं शुगर जो कंज्यूम है मेरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है, मैंने ये चीज नोटिस किया। तो ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा शुगर खाते हो आपका शुगर कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कुछ अच्छा सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि आगे चल के इससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरी चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की वो काफी अच्छी चीज है, जैसे डेली मैं एक्सरसाइज करता था तो मान लो मैं एक्सरसाइज करना चालू किया तो आधे घंटे में मैं जितना एक्सरसाइज करता था वो एक्सरसाइज मैं अब 15 मिनट में कर लेता हूँ, यानी जो भी कुछ काम को करने में मुझे ज्यादा टाइम लगता था अब वो कम टाइम लग रहा है। बात यह है कि जैसे कभी भी हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लो मैं एक बार पुशअप करना मान लो चालू किया, मान लो 20 मारे, 25 मारे, 30 मारे, जो भी मैं एक बार में मार सकता हूँ उतने पुशअप मैंने मारे। उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं जब थक जाता हूँ तो फिर मैं मोबाइल में स्क्रोल करने लगता हूँ, फिर न्यूज फीड पढ़ने लगा या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरीज पढ़ने लगा, कुछ भी मैं इस तरह का जो 3-5 वाला काम जो है वो चालू कर देता हूँ और उसमें फिर मैं 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब मैं डोपामिन डिटॉक्स पे हूँ तो ये सारी चीजें मैं कर नहीं सकता उसके बीच में, तो फिर मैं उस टाइम में जो है थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, थोड़ा मैं बाहर टहल के आता हूँ, थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, तो जो जो एक्सरसाइज मैं पहले जो है करीबन करीबन 1 घंटे में कर रहा था वो अब 15 से 20 मिनट में उतनी एक्सरसाइज मेरी पूरी हो जाती है। तो अगर आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आपको एक एक सेकेंड जो है उसकी वैल्यू पता चलेगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो तीसरी चीज मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि देखो मैं कभी भी अपने लाइफ में कभी भी मैं डे टाइम में सो नहीं पाया हूँ, कभी भी मैं दिन में जो है वो एक चाहूँ कि अगर अच्छी नींद मार लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो देखो उसके पीछे रीजन ये है कि जब सोने का टाइम होता है यानी करीबन 12 बजे से जो है 5 बजे के बीच में ज्यादा तौर पर लोग सोते हैं, तो ये टाइम में जो है मैं कभी कभी मिस कर देता हूँ, या तो जब मुझे नींद आएगी तो मैं गेम खेलने लगा, बोर होने लगा तो मैं गेम खेलने लगूंगा, या फिर कोई मैं टीवी सीरियल देखने लगा, या फिर कोई मूवी देखने लगा, या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देखने लगा, या कुछ नहीं तो वैसे ही कुछ भी 3-5 का काम करने लगा। तो इन सभी चीजों की वजह से लगातार जो डोपामिन मिलता रहता है, तो आदमी जब डोपामिन मिल रहा है तो सोएगा क्यों, जब काफी आपको अच्छी अच्छी चीजें आपके मनपसंद की चीजें आप वो काम कर रहे हो तो नींद नहीं आने वाली है। तो इसकी वजह से मैं दिन में सो नहीं पाता था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी मैं काफी जब बोर हो जा रहा हूँ तो मैं लेटा और मैं सो गया। और आज कुछ मैंने और कुछ खास तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जो मैंने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो जो मैंने बताया था डे 1 डे 2 में, उस चीजों को मैं थोड़ा सा और इंटेंसली फील कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं डे 4 में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या मैं ये चैलेंज डे 4 में कम्प्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है अब रहा नहीं जा रहा, अब बहुत से चूसी मच रही है कुछ ना कुछ 3-5 करने की। तो फिर मिलते हैं डे 4 में। जय हिंद जय भारत।